किसी भी बीमारी का सही वक्त पर इलाज होना सेहतियाबी की अलामत होती है और सेहतियाबी इंसान की सबसे बड़ी नियामतों में से एक है। तंदुरुस्त सेहत बख्शने के लिए हमारे हिंदुस्तान में हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है पूरे मुल्क के बच्चों से लेकर उम्र दराज के तमाम अफरादों को मुफ्त वैक्सीन लगाकर उन्हें आने वाले मर्ज से निजात दिलाना और दुनिया भर के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में उजागर करना है। माना जाता है कि 1995 में हिंदुस्तान में ओरल पोलियो वैक्सीनेशन की पहली खुराक दी गई थी, जो भारत में पोलियो के खात्मे के लिए एक काबिले जिक्र इकदाम था। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में हर साल करीबन 172 मिलियन बच्चों को हिफाजत टीके लगाए जाते हैं। अगर रियासत कश्मीर की बात करें तो यहाँ वैक्सीनेशन डे की वसादत से तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और दीगर जगहों पर कई किस्म की वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, टिटनस और पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन शामिल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन से हर साल तकरीबन 30 लाख लोगों की जान महफूज होती है। हुकूमत की तरफ से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वादी के शहरी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तभी एतबार से लोगों को मुमकिन तौर पर हिफाजती टीके फरहम कराए जाते हैं। आइए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सही वक्त पर वैक्सीनेशन करवाएं और अपने समाज को आने वाली बीमारियों से महफूज रखें।